अल्लू अर्जुन और रश्मिका एक बार फिर अपनी फिल्म पुष्पा के जरिए धूम मचाने की तैयारी में है। पुष्पा 2 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। इससे पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। खास बात यह है कि इसके लिए बिहार का पटना चुना गया, जहां पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया और इस दौरान अल्लू अर्जुन और रश्मिका दोनों मौजूद थे। पुष्पा कभी छूटेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए छूटेगा। ये जोश, ये जुनून, ये दीवानगी उस स्टार के लिए जो हिंदी भाषी नहीं है, साउथ से आता है लेकिन उसका नशा ऐसा है कि बिहार की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये तस्वीर बिहार के गांधी मैदान की है, जहां पुष्पा 2 का ट्रेलर बेहद धमाकेदार तरीके से रिलीज किया गया। वैसे तो पुष्पा किसी के आगे झुकता नहीं है, लेकिन बिहार में अपने फैंस के आगे उसे झुकना पड़ा। लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। पटना एयरपोर्ट पहुंचे अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस की रिक्वेस्ट पर फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल भी किया। पुष्पा 2 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। उससे पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया और इसके लिए चुना गया बिहार का पटना। इस मौके पर खुद आइकन स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना भी बिहार पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम पटना के गांधी मैदान में उमड़ा। पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। पटना के गांधी मैदान में काफी भीड़ है। हमारे साथ कुछ युवा जो है लोग हैं। कैसा लग रहा है पटना में? बहुत अच्छा लग रहा है। पटना में पहली बार ट्रेलर रिलीज हुआ है। वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी एनर्जेटिक। बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में पहली बार हुआ है, देश में पहली बार इतना बड़ा ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये बिहार में ही केवल हो सकता है। पुष्पा राज झुकेगा नहीं। बिल्कुल, कई युवा हमारे साथ और हैं। क्या नाम हुआ तुम्हें, कहाँ से आए हो? मसूरी से आए हैं, नाम है सूरज कुमार। कैसा लगा? अच्छा लगा, बाकी अच्छा से नहीं देख पाए। अच्छा, और तुम लोग क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अली हुआ। यहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा भारी तादाद में लोग आए थे। बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर। जैसा अल्लू अर्जुन का हम लोग सब कोई फैन है, झुकेगा नहीं साला, ब्लॉकबस्टर रहेगा मूवी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के लिए लोगों की ये दीवानगी देखने लायक थी। हर कोई अपने पसंदीदा स्टार को एक नजर देखना चाहता था। इसी दौरान लोग बैरिकेडिंग तक में चढ़ गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को देखने के लिए भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लोग गांधी मैदान में लगी 40 मीटर ऊंची होर्डिंग पर चढ़ गए। कुछ लोग तो इस पर डांस करते हुए देखे गए। मैं नहीं सोचा था कि बिहार में भी आ जाएगा अल्लू अर्जुन, वो पटना में आया है बिहार। ये तो पटना के लिए बहुत अच्छी बात है ना, और सबके लिए भी अच्छी बात है, मूवी इंडस्ट्री में जो भी है उसके लिए, खास करके पटना के लिए इतनी बड़ी मूवी का इवेंट होना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बढ़िया लगा। साउथ का इतना बढ़िया मूवी जो ट्रेलर रिलीज होने से पहले 1,000 करोड़ कमा चुका है, वो मूवी अगर यहाँ पे ट्रेलर रिलीज कर रहा है तो बिहार के लिए बहुत बढ़िया है, पटना के लिए बहुत बढ़िया है। मैं चाहूँगा आगे से जितनी भी बड़ी मूवी बने सबका ट्रेलर पटना गांधी मैदान में रिलीज हो। बताया जा रहा है गांधी मैदान में करीब 1,00,000 लोग जमा हो गए थे। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने स्टेज की तरफ चप्पल भी फेंकी, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुष्पा 2 के ट्रेलर के लॉन्चिंग के लिए अल्लू अर्जुन पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं, और इससे पहले उनके आने से पहले देखिए गांधी मैदान में जो दर्शक हैं उनके लिए काफी भीड़ है, और दर्शक जो है लगातार जो है पीछे से चप्पल फेंक रहे हैं। साथ ही साथ जो है पुलिस को हल्की लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है, ताकि जो दर्शक हैं देखिए किस तरह से चप्पल फेंक फेंक के जो है ऊपर से पीछे से फेंक रहे हैं। दर्शक जो ऑडियंस है काफ़ी संख्या में आ गई है, और पुलिस की लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें काबू में किया जाए और पीछे किया जाए, और इसके लिए देखिए हल्का बल प्रयोग भी पुलिस के जवान कर रहे हैं, और लगातार जो है दर्शक दिघा से चप्पल और बोतलें फेंकी जा रही है। तो आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से फिलहाल जो है पुलिस जो है इस पूरे मामले को शांत करने में जुटी हुई है। पुष्पा 2 के ट्रेलर रिलीज के मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी शामिल हुए।
उन्होंने दोनों कलाकारों का स्टेज पर स्वागत किया। मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार का विकसित बिहार समृद्ध बिहार की ओर कदम बढ़ा दिया। पाटलिपुत्रा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पुष्पा टू फिल्म के लोकप्रिय अभिनेता अल्लू अर्जुन जी, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, निर्माता नवीन एवं रवि जी के साथ फिल्म के सभी कलाकारों टेक्नीशियनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिल्म पुष्पा की टीम ने ट्रेलर रिलीज करने के लिए बिहार को ही क्यों चुना, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। इस फैसले का एक बड़ा फैक्टर फिल्म पुष्पा की देसी हिंदी ऑडियंस में पॉपुलैरिटी है, जिसे मेकर्स पुष्पा 2 के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुष्पा 1 द राइज ने बिहार और यूपी के सिंगल स्क्रीन में शानदार बिजनेस किया था। फिल्म के गाने श्रीवल्ली का तो एक रीजनल सिंगर ने भोजपुरी वर्जन भी गाया था, जो रातों रात जबरदस्त हिट हो गया था। पुष्पा 2 को बड़ी फिल्म बनाने के लिए जरूरी है कि मेकर्स इस भीड़ को जमकर थिएटर्स तक खींच सके, जो हिंदी फिल्मों को बड़ा बनाने वाली मास ऑडियंस है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत सारे छोटे शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां लोग साल में आने वाली गिनी चुनी मास फिल्मों का इंतजार करते हैं, और पुष्पा 2 ऐसी ऑडियंस के लिए परफेक्ट फिल्म है। हाल ही में RRR स्टार रामचरण ने भी अपनी अगली फिल्म गेम चेंजर का टीजर लॉन्च इवेंट लखनऊ में किया था, लेकिन पटना जैसे ठेठ देसी हिंदी मार्केट में साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से अल्लू अर्जुन का अपनी ऑडियंस को सीधा मैसेज है, उनका एक बार फिर तगड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है। पुष्पा कभी छूटेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए छूटेगा।